मिलेंगे इंशाल्लाह। और जो डीलिंकिंग का मामला है उसके लिए कमेटी बनाई गई है, उस प्रोसेस को भी हम इंशाल्लाह करेंगे। लिहाजा आपको किसी भी जो टीचर उसका जो भी मसला होगा वो हम प्रायोरिटी पे हल करेंगे, और मैं आप लोगों को इज्जत करता हूँ। और दूसरी बात, एडवाइजर टू गवर्नर जनाब खुर्शीद गनाई साहब का ज़बरदस्त शुक्रिया, जिन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखाई, दिलचस्पी दिखाई, इस इशू के पीछे रहे। आखिरकार उसके सरबराही में ये मसला हल हुआ। मैं डॉक्टर जे नीतू साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का, सेक्रेटरी एजुकेशन का, और तुफैल मुतू साहब का, और खासकर अपने उस्तादों का, रबर तालीम उस्तादों का, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की, जिन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट की। तकरीबन 4 महीने से हम प्रोटेस्ट करते रहे, टीचर्स फोरम, रबर तालीम टीचर्स फोरम, जितनी भी तंजीमें हैं उन्होंने काम किया है, और आखिरकार सरकार ने, गवर्नर साहब ने इस मसले को हल किया। वंस अगैन मैं मीडिया बरादरी का भी बड़ा शुक्र गुजार हूँ कि मीडिया ने उसको ज़बरदस्त हल, गुलिस्तान न्यूज़ का मैं ज़बरदस्त शुक्र गुजार हूँ। हर मामले में हर बार गुलिस्तान न्यूज़ आगे रहा, उन्होंने हमें कॉपरेट किया, हमारे इशू को हाईलाइट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त मतलब आप सब किस तरह मतलब खुशी का मतलब ये इतनी खुशी है, मैं समझता हूँ जितनी खुशी ईद के दिन एक छोटे बच्चे को मिलती है ना, जब उसका बाप उसको गिफ्ट देता है, उससे बढ़कर ये खुशी है। आज 41,000 फैमिलीज जो परेशानियों में है, मेंटल ट्रामा के शिकार हुए थे, परेशानी के शिकार हुए थे, जहनी कोफ्त के शिकार हुए थे, आज वो आज़ाद हो गए, आज उनको खुशी मिली। और ये जॉइंट लीडरशिप की वजह से लीडरों ने इसमें बड़ा रोल दिखाया, उस्तादों ने खासकर बड़ा इसमें ज़बरदस्त रोल उन्होंने किया, एहतजाज किया। आखिरकार सरकार यूनिटी के सामने झुक गई, उस्तादों के सामने झुक गई, गवर्नर साहब ने इस इशू को हल कर दिया, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इस खुशी को हम हमेशा याद रखेंगे, उसको कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।